हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। वोल्टेज रेगुलेटर ये एक 3 टर्मिनल का आईसी है जो कि हमारे पावर सप्लाई में यूज़ होता है। ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारे पावर सप्लाई का आउटपुट हो वो फिक्स डीसी वोल्टेज रहे, उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता है और हम इससे 2 टाइप के आउटपुट ले सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डीसी वोल्टेज या फिर नेगेटिव डीसी वोल्टेज। पॉजिटिव डीसी वोल्टेज लेने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा 7805 का आईसी और नेगेटिव डीसी वोल्टेज के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा 7905 का आईसी। 7809 ये इंडिकेट करता है कि जो आईसी का आउटपुट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो लास्ट के जो नंबर है 05 वो इंडिकेट करता है कि कितने वोल्ट का रेगुलेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 12 वोल्ट का पॉजिटिव डीसी आउटपुट लेना है तो हमें उसके लिए 7812 का आईसी लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।